This video is brought to you by Mahalakshmi Jewelers in association with Mobile Masters, Frespresso, Coffee Shop, Studio 11, Saloon and Spa, and by Madina Chicken World. आज ANC की टीम अलंग दरगाह जो कि बहुत मशहूर दरगाह है हजरत ख्वाजा शेख मखदूम अलाउद्दीन अंसारी उर्फ लाडले मशाक अंसारी की दरगाह में आई हुई है। यहाँ पे हम लोगों ने आया और मैनेजमेंट से ये जानने की कोशिश की कि उर्स को लेकर के क्या इंतजाम उनके ओर से हो रहे हैं, क्या तैयारियां उनके ओर से हो रही है। और यहाँ पे आने के बाद हमें मैनेजमेंट से बहुत कुछ जानने को मिला है। हमारी बातचीत दरगाह के जो सदर है हमीद अंसारी साहब उनसे हुई है और यहाँ के जो दरगाह के जो कमेटी के सेक्रेटरी है खलील अंसारी साहब उनसे हुई है। चलिए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है दरगाह के उर्स को लेकर के। अस्सलाम वालेकुम। गुरु शरीफ के इंतजाम का आगाज हो चुका है, अब इसके आगे हमारे सेक्रेटरी साहब बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज उर्स हजरत ख्वाजा शेख मखदूम अलाउद्दीन अंसारी अलैहि रहमतुर रिजवान का आगाज होने जा रहा है। 662वां उर्स शरीफ जिसकी मीटिंग गुज़श्ता जुमेरात को लाए अमल तय किया गया। हजब रिवायत कदीम तहसील ऑफिस अलंद शरीफ से तहसीलदार साहब के हाथों इफ्तिताह अमल में आएगा, जिसको इंतजाम के दीगर जुम्मेदारान वहदेदारान वो महकमा बल्दिया अलंद PWD महकमा बरखी और दीगर इंतजाम के लिए साल गुज़श्ता जैसा अहतमाम किया गया था उससे मजीद और बेहतरी लाने की ये हमारी सबकी कोशिश है, ताकि आने वाले जायरीन जो दूर दूर दराज इलाके से हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले जायरीन को किसी किस्म की तकलीफ ना हो। जैसा कि हमने देखा है कई मिनिस्टर्स उस शरीफ में शिरकत की गर्ज से आते हैं। कर्नाटक का हुकूमत में जो अभी मिनिस्टर हैं शरण प्रकाश पाटिल साहब, रोशन बेग साहब के आने की भी उम्मीद है और प्रियंक खड़गे साहब भी तशरीफ लाएंगे। उस वक्त ये देखा गया है जगह नाकाफी हो जाती है, उसमें जो भी हम तब्दीली कर सकते हैं रद्दोबदल करना वो उस वक्त हमारे तफसीली रिपोर्ट में हम आने वाले बताएंगे। दिसंबर की 28 तारीख को संदल होगा अगर 30 तारीख का चांद होता है, अगर 29 तारीख का होता है तो 27 को होगा, क्योंकि चांद पर डिपेंड करता है हमारे जो तारीख होते हैं वो चांद पर होते हैं। इसलिए 28 को संदल होगा और 29 को चरागान होंगे। चरागान में शिरकत के लिए बहुत से मिनिस्टर भी आएंगे, महफिल समा भी होता है महफिल समा में, और हमारे रुकन असम्बली BR पाटिल साहब भी तशरीफ लाते हैं। और ख़ास तौर पे जो यहाँ का जो माहौल है अलम शरीफ का वो गंगा जमनी तहजीब का माहौल है, भाईचारे का माहौल है। यहाँ पर ना कोई ज़ात होती है ना पात होती है, ज़ात पात से उठ कर तमाम लोग उर्स शरीफ में शरीक होते हैं। और सदर शरीफ का जो अहतमाम होता है वो हमसे ज्यादा गैर मजहब के लोग उसका अहतमाम करते हैं, उतना उसका अदब करते हैं। यहाँ तक कि मैं समझता हूँ कभी जो है ना पुलिस की जरूरत महसूस नहीं की गई। ये सबसे बड़ी अमन और यकजहती की निशानी है, इसकी मिसाल सारे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलती। और भी लोग हैं जैसा कि यहाँ पर गैर मुस्लिमों का ये अकीदा है ये मानना है, मैंने खुद सुना है एक ब्राह्मण के कोई साहब थे, उन्होंने अपनी जबानी मुझसे रूबरू मेरे ये कहा है कि हमारे दादा और दादी हमारे वालिद यहाँ पर आया करते थे। मैं जब छोटा सा था बिल्कुल छोटा 3-4 साल की उम्र का बच्चा था तो वो बच्चे की नाक में पेंसिल चढ़ गया, तो उनका कहना यह है कि सारे दवाखाने हम लोग बताए कहीं पर भी आराम नहीं हुआ, जब किसी ने बड़ों ने कि दरगाह शरीफ पे जाकर हाजिरी दो तो पूरा हो जाएगा। इस तरह की करामात पर ये एक ब्राह्मण के घर में ये वाकया हुआ है। यानी कहने का मतलब ये है यहाँ पर हर जात पात के लोग आते हैं, यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है। मैं यही पैगाम आपको देना चाहता हूँ। आने वाले दिनों में हम लोग तरतीब जब बनेगी लाहे अमल जब बनेगा पूरी तफसील मीडिया के जरिए इंशाल्लाह हम पहुँचाएंगे। खुदा हाफिज़।